मिर्ची बॉलीवुड एक्साइटेड है आप और इस साल क्या डिफरेंट क्या नया होने वाला है तो पहली बात तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज सब फैंस की वजह से ये शो वापस आया है और ये बहुत ही बड़ी बात है तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए फर्स्ट एपिसोड सो ये और बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है एंड थ्री टाइम्स थर्ड सीजन है सो थ्री टाइम्स रोमांस थ्री टाइम्स अ फाइट थ्री टाइम्स अ फ्रेंडशिप सो बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है पहले की क्या मेमोरीज थी जो इस समय ताज़ा हुई है शो करने के टाइम पूरी यूनिट पुरानी है हमारी फ्रॉम मेकअप दादा टू स्पॉट दादा सो आई थिंक वो सबसे बेस्ट था कि सारे पुराने लोग थे इस बार जो है वेब प्लेटफॉर्म पे आने वाला है तो कितना डिफरेंस महसूस किया आपने और मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा डिफरेंट इसलिए था कि क्योंकि टीवी में कल यू नो ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे एपिसोड है तो थोड़ा छापना पड़ता है बट इधर पूरे ठहराव से एवरी फ्रेम को सेटअप किया जाता है और बहुत टाइम भी लगता है एंड वी कैन जस्ट बी वेरी नेचुरल जैसे हम हैं थोड़ा टीवी में थोड़ा एक्स्ट्रा जैसे आपने कहा कि आप दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया तो तब और अब आप दोनों में क्या डिफरेंस महसूस किया आपने और अब कैसी केमिस्ट्री है दोनों सो आफ्टर टू ईयर्स वी हैव ग्रोन एज एक्टर्स और हम पीपल लाइक इंडिविजुअल की तरह भी ग्रो हो गए सो आई थिंक वही बेस्ट पार्ट था और हमने बहुत मस्ती की सेट पर बहुत लास्टली फैंस से क्या कहना चाहेंगे और दैट कल लॉन्च होने वाला है तो गाइज कल लॉन्च होने वाला है सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड फिंगर्स क्रॉस जैसे हिट था आई होप उससे भी ज़्यादा हिट हो जाए सो थैंक यू गाइज बिकॉज आपकी वजह से सब कुछ हुआ है एंड लॉट्स ऑफ लव कीप फैंस यहाँ पर देखने वाले स्क्रीनिंग है जी क्या कहेंगे कुछ नहीं ये उनके ऊपर डिपेंड है अब उनको पसंद आता है या नहीं पसंद हमारा काम तो हो गया हमने कर लिया हमारा काम बट ओवरऑल वी फील नाइस वी फील हैप्पी और एक्साइटेड है कि सीज़न 3 आ रहा है इनफैक्ट हम उस दिन की बात करते हैं जब हमने शो शुरुआत की थी कभी सोचा भी नहीं था कि इसके सीज़न होने वाले हैं या दो होने वाला तीन होने वाला बट अच्छा लगता है जब लोगों को पसंद आया और वही आशा करते होप करते कि ये काम भी लोगों को पसंद आए पार्थ जैसे आपने कहा कि पहले आपने सोचा नहीं था और जब पहले जैसे हमने नीति को भी पूछा था कि पहले और अभी में क्या डिफरेंस महसूस करते हैं मनन और नंदिनी में तो वो मनन और नंदिनी क्या है मैंने तो बोल दिया दैट वी हैव बिकम वी हैव ग्रोन एज एक्टर्स वी हैव ग्रोन एज पीपल तो बहुत मजा किया हमने हाँ और हमारे पेमेंट भी बढ़ गए हाँ या ओके केमिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आप दोनों को तो वो केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे किस तरह से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं अभी भी फैन से और इसमें किस तरह की केमिस्ट्री देखने मिलने वाली है आप दोनों जी एक्चुअली इस बार और इंटेंस है और जैसे कि तब एक शुरुआत थी एक कपल की जहाँ दोनों लड़का लड़की मिलते हैं दे फॉल इन लव बट अब वो पड़ाव आ गया अब वो फेज़ आ गया जहाँ पर दोनों एक रिलेशनशिप में हैं तो सब कुछ उनके बीच अब सब कुछ है मतलब देर इज़ नो स्टॉपिंग और दोनों एक साथ एक ही जगह है दोनों एक साथ रहते हैं इनफैक्ट तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक रोज़मर्रा के एक रिलेशनशिप में क्या क्या रुकावटें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है ये वो कपल फेस करने वाली है और उसको कैसे टैकल करेंगे या कैसे अंडरस्टैंड करेंगे या कोई अपने ईगो को लेकर खड़ा हो जाएगा या खड़ी हो जाएगी तो वो देखने को आपको मिलेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहा है जी एक्सपेक्टेशंस है डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमें एक्सपेक्टेशंस पहले भी नहीं थी और बहुत कुछ मिला और इस बार भी नहीं होगी तो बहुत कुछ ही मिलेगा क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी सीज़न 1 तब हमें कोई आइडिया नहीं थी कि इंटरनेट पे सोशल प्लेटफॉर्म पे लोग इतना पसंद करेंगे इसे और इसीलिए शायद एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हमारा सोशल मीडिया में और अभी फ़िलहाल वही एक कोइंसिडेंस की बात है कि हाँ ठीक है अब एक नेट पे ही आ रहा है तो लोगों को देखने को आसानी हो जाएगी ना कि टीवी ऑन करके शो के लिए रुकेंगे बट कभी भी देख सकते कहीं भी देख सकते हैं काम करने के तरीके में कितना डिफरेंस लगा आपको टेलीविज़न पर और वेब पर बहुत अच्छा रहा इनफैक्ट आई वुड से टू बी ऑनेस्ट बेटर था एक कुछ नया सीखने को मिला और बहुत रियलिटी में रियल फेज़ में थे हम एक फेज़ जहाँ पर एक लड़का लड़की कैसे एक सिचुएशन में एक रिलेशनशिप में बिहेव करेंगे उसी सिचुएशन को लेकर हम बिहेव करते थे ऐसा नहीं कि हम कुछ ठीक है इस पे अच्छा लगेगा सॉरी इस पे स्क्रीन पे अच्छा लगेगा तो हम ये करेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं जो नेचुरल लग रहा था हम वैसे ही बिहेव कर रहे थे तो इट वाज़ गुड दैट वे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी बट यस हमें उस तरीके से मेहनत करनी पड़ी क्योंकि दोनों मानिक नंदिनी एक रिलेशनशिप में है लिव इन रिलेशनशिप में और हम दोनों ऑन द कॉन्ट्रेरी हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बट यस टू स्टार्ट विथ एट द स्टार्ट हमें थोड़ी डिफिकल्टी थी बट अगेन मूविंग ऑन एक बार कैरेक्टर में हम आ गए तो बस इट वॉज ईजी
लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगे, कल जो है शो वेब पर आने वाला है? जी हाँ, तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द शो टू कम टुमारो ऑन एयर, सो प्लीज़ वॉच इट फ्रॉम यस एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे ओनली ऑन वूट ओरिजिनल्स. एंड ट्रस्ट मी, हमने बहुत एफर्ट्स लिए हैं और इसी के साथ हमारे बहुत कास्ट ने भी बहुत मेहनत की है. दिख रहा है इनकी एक्साइटमेंट आज ही न्योनिका बन के. अच्छा यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू.